बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार, मणिपुर मुख्यमंत्री सरकार आ चुका है। झूठे मारो तू ऑल इंडिया मजलिस इत्यादी मुस्लिम पार्टी च्या वतीने आज जे मणिपूर मध्ये दुर्दैवी जे घटना घडलेली आहे, जे निस्नग्न अवस्थेमध्ये महिलांना रस्त्यावर काढून त्यांच्या संग दुष्कर्म केले आणि तिथली सरकार अजूनही शांत बसलेली आहे। तिथली सरकार अजून शांत का बसली या मुद्द्यावर एमआयएम पक्षाच्या वतीने आज आम्ही मोर्चा काढलेला आहे। कारण भारतामधली आज कुठली स्त्री सुरक्षित नाहीये। एका सेकंदाला भारतामध्ये दुष्कर्म होत जात आहेत आणि सरकार ते काय करते? सरकार फक्त एवढं पाहते की कुठल्या समाजाच्या मुलांनी कुठं भांडण केलं, कुठल्या समाजाच्या मुलांनी कुठं भांडण केलं। 400 वर्षापूर्वी काय इतिहास झाला? अरे ते इतिहास बघण्यापेक्षा तुम्ही आज इतिहास काय घडायला आणि तुम्ही काय घडू शकता? तो इतिहास जेव्हा घडला तेव्हा तुम्ही तर नव्हतं, पण आज नवीन इतिहास तुम्ही घडू शकता। आज तुमच्या बाया लेकी घरामध्ये सुरक्षित आहे तर तुम्ही गरिबांना न पाहता आज तुमच्या घरच्या लोकांची तुम्ही काळजी करून पार्ट्या वगैरे करता आणि घरामध्ये बसता। कुठं जर दंगल झाली, भांडण झालं, तर ते कोणी केलं, कशामुळे झालं हे इन्क्वायरी न करता कुठल्या समाजाच्या मुलांनी केलं किंवा कुठल्या समाजाच्या माणसांनी केलं किंवा कोणत्या स्मारकासाठी केलं तुम्ही हे न बघता आज जिवंत लोक आहे त्यांच्यासाठी काय करता? आज त्यांची जी हालत आहे, त्यांची जी परिस्थिती आहे, तुम्ही त्यांच्याकडे लक्ष द्यायला पाहिजे। म्हणून आम्ही आज निषेध करून इथे सगळ्यांनी थांबलेलो आहे आणि आम्ही सक्त निषेध करतो। हे जितके पण पक्ष आहे, शिवसेना, बीजेपी, राष्ट्रवादी काँग्रेस, ज्या पण पक्ष आहेत त्या पक्षाच्या लोकांनी घरात झोपून न काढता लोकांनी आज समस्या काय आहे त्या मुद्द्यावर त्यांनी त्या मोर्चावर लक्ष द्यायला पाहिजे। ना की कोणी स्मारक नाही बांधू दिलं त्या मोर्चावर तुम्ही मोर्चे काढता, त्याच्यावर तुम्ही तुमचा पूर्ण दिवस घालता आणि संध्याकाळी फार्म हाऊस वर डब्बे पार्टी करून तुम्ही आराम करता। आज हे इतकी शर्मची गोष्ट आहे की निस्नग्न अवस्थेमध्ये महिलांचं शोषण केलं जातं, त्याच्याबद्दल सरकारने आज जाहीरपणे आम्ही निषेध करतो। सरकारने त्याच्यावर लवकरात लवकर हे करायला पाहिजे। सरकारने जर काही निर्णय नाही केला तर ज्या चार लेडी दोन लेडी संघ जे झालेलं आहे दुष्कर्म त्यांना पोलिसांनी प्रोटेक्शन न देता केलेलं आहे, तर सरकारला आम्ही ही विनंती करतो की आमच्या मध्ये पण त्या माणसाला फक्त 2 मिनिटासाठी सोडा, आम्ही त्याला 80,000 देऊ की तो दुसऱ्यांदा दुसऱ्या लेडी संघ दुष्कर्म करण्याच्या अगोदर त्याची आत्मा थरथर झाली पाहिजे। है और बड़ी शर्म आती है कि हमारे इंडिया जैसे देश में आज ये सब हो रहा है। हाँ, जबकि संविधान है, हर चीज है हमारे पास में, और इसके बावजूद भी हमारे लेडीज यहाँ पर सेफ नहीं है। अगर जब ऐसा ही होते रहेगा तो हम किस पर भरोसा करें? जब सरकार ही हमारी बात नहीं सुनेंगे तो हम किस पर भरोसा करें? और जब 75 दिन के बाद आज सरकार को मुंह खुलाए, इतने दिन से सरकार को पता नहीं था क्या मणिपुर में क्या हुआ है? हाँ, और इतनी गंदी तरीके से उस लेडीज के साथ ऐसा किया गया है और उसके बाद में भी, और ये क्यों हो रहा है ऐसा? ये किस लिए हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जो मीडिया है ये प्रोटेस्ट ये जो है तो कवर कर रही है किसको? उस पाकिस्तान के महिला को, ना कि मणिपुर के महिला को। जरूरत मणिपुर के महिला को है, ना कि पाकिस्तान की सीमा हैदर को। तो मैं मीडिया वाले से भी एक सवाल करना चाहूंगी, क्या आपको ऐसा लगता नहीं है कि जहां पर महिला को मीडिया की ज्यादा जरूरत है आप लोगों ने वहां पर होना चाहिए मौजूद, जबकि आपको ज्यादा जरूरत वहां पर है? अगर वो वहां पर ही रोका जाता था 85 दिन पहले ही, तो आज जो हुआ है राजस्थान में वो नहीं होता था रात में। जो हो चुका है वो महिला के साथ में, अगर सीमा को प्रोटेस्ट में सीमा का साथ नहीं देते थे उसके बजाय मणिपुर की महिला का साथ देते थे तो आज वो काम होता नहीं था, क्योंकि ये दूसरी घटना है। इस वजह से मेरा बोलना ये है कि हमारे महिला को प्रोटेस्ट करो, वरना इससे बड़ा मोर्चा निकलेगा।
देखिए पिछले तकरीबन 80 दिनों से मणिपुर में नंगा नाच खेला जा रहा है। बहसियत हिंदुस्तानी एक भारतीय होने के नाते यह आपके और मेरे लिए शर्म की बात है कि यहाँ पर हमारे पास महिलाओं के सम्मान का क्या लेवल है। हमारी अपनी माओ बहनों को नंगा करके सड़कों पर परेड किया जा रहा है। 5,000 से ज्यादा लोगों के घरों को जला दिया गया है। 50 से 60 हजार लोग आज मणिपुर से ट्रांसफर होकर एक अमन की जगह पर पना लिए हुए हैं, शेल्टर्स में पना लिए हुए हैं, और 6,000 से ज्यादा लोग जख्मी है, 150 से ज्यादा लोग मर चुके हैं। हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी से यही अनुरोध है, यही विनंती है कि आखिर 80 दिनों के बाद तुमको होश क्यों आया? क्या मणिपुर भारत देश का हिस्सा नहीं है? क्या वहां रहने वाली महिलाएं हो पुरुष हो, क्या वो हमारा हिस्सा नहीं है? अगर तुमको सत्ता की इतनी लालच है तो तुम क्यों बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का नारा लगाते हैं? आज हमारे देश के अंदर बेटियों का और माओ का क्या हाल हो रहा है, ये आपको परसों की वीडियो में समझ में आता है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के महाराष्ट्र के अध्यक्ष जनाब इम्तियाज जलील साहब और नेशनल प्रेसिडेंट असदुद्दीन ओवैसी साहब मणिपुर फसाद को लेकर पिछले 2 महीनों से आवाज उठा रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फॉरेन दौरों से फुर्सत नहीं है। उन्हें मैं कि मणिपुर में जो हालात चल रहे हैं उसके ऊपर काबू किया जाए। आज हम इस विरोध प्रदर्शन और आंदोलन के जरिए भारत की दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को और खास तौर से बीजेपी को बताने आए हैं कि तुमने नारी शक्ति का और बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ को जो नारा दे रखा है ये सिर्फ खोखला है। तुम सिर्फ अपनी सत्ता बचाने के लिए बेटियों को और महिलाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और हम चाहते हैं कि वहां पर फौरन आर्मी उतारी जाए और पूरे हालात को खाबू किया जाए। जो लोग घरों से छोड़कर भाग चुके हैं उनको वापस उनके घरों में पहुंचाया जाए। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की डिमांड है। आपका नाम? मेरा नाम शारिक नक्शबंदी है, शहर अध्यक्ष MIM। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से क्रांति चौक के ऊपर जो है तो धरना दिया जा रहा है। देखिए मणिपुर के अंदर पिछले 80-85 दिन से जो है तो पूरा मणिपुर जल रहा है। मुल्क के वजीर आजम को ये बात डे वन से पता थी, मगर क्या बात है कि 2 दिन पहले जब वीडियो वायरल हुआ तो कल जो है तो हमारे वजीर आजम मुल्क के सामने आकर जो है तो घड़ियाली आंसू जो है तो बहाते हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ये मांग है कि मणिपुर को जो है तो शांत किया जाए, मणिपुर के अंदर जो है तो मिलिट्री को उतारा जाए और मणिपुर के अंदर जो ST और ट्राइबल समाज को जो है तो जो टारगेट किया जा रहा है उनका नरसंहार किया जा रहा है। हमारी बहनों को बच्चियों को जिस तरीके से उनकी अजमत को लूटा जा रहा है उसको रोका जाए और जिस तरीके से कुकू और नागा समाज के ऊपर जो है तो मैतई समाज की तरफ से जो जुल्म किया जा रहा है उसका तुरंत रोका जाए, ये हमारी मांग है। इसी के लिए धरना है। हमारी हुकूमत से ये मांग है कि मणिपुर के अंदर तुरंत जो है तो राज्यपति जो है तो प्रेसिडेंट का जो है तो रूल लगाया जाए।